तुमसे बढ़ के यारा कौन हमको तो तुमसे है कांची अरे हे कांची ओ भारत यात्रा रतः अमेरिकीयः रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिनः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अमिलत् उभयोः देशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागिता विषयक चर्चावधौ प्रधानमन्त्री भारत अमेरिका सम्बन्धयोः द्विपक्षीय रक्षा सहयोगस्य महत्वपूर्ण भूमिकायां बलं दत्तवान् पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु पुडुचेरी केरल इति पंच राज्येषु विधानसभा निर्वाचनानां तृतीय चरणस्य कृते नामांकनं पत्राणां परीक्षणं प्रचलति प्रधानमंत्री पश्चिम बंगालस्य खड़गपुरे असमस्य चाबुआयां च जनसभे संबोधयिष्यति टीकाकरण अभियानांतर्गत अधुना पर्यन्तं चतुष्कोटि मितेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि तत्र महाराष्ट्रं समेत्य पंच राज्येषु कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि वर्धन्ते भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः 20-20 क्षेप चक्रीयायाः क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः पंचमी निर्णायिका च स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे आयोजयिष्यते भारतस्य बैडमिंटन तारका च पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन नायक स्पर्धा मालिकाया महिलैक वर्गे उपांत्य चक्रम प्रविष्टवती उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे अद्य मानांकम सूच्यां पंचम स्थाने विद्यमाना सिंधु थाईलैंडस्य पोर्णपावी चोचुवोंगम सम्मुखी करिष्यति अभिवादये अहमस्मि रचा अत्र भवताम भवतीनां च स्वागतम डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः विस्तरेण भारत यात्रारतः अमेरिकीयः रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिनः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अमिलत् उभयोः देशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागिता विषयक चर्चावधौ प्रधानमन्त्री भारत अमेरिका सम्बन्धयोः द्विपक्षीय रक्षा सहयोगस्य महत्वपूर्ण भूमिकायां बलं दत्तवान् अमेरिका देशस्य रक्षामंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिनः गतदिने भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रा प्रसंगे दिल्लीं सम्प्राप्तः स्वीय यात्रावधौ ऑस्टिनः भारतस्य रक्षामंत्रिणा राजनाथ सिंहेन अन्यैः वरिष्ठ नेतृभिः च मेलिष्यति मिलनावसरे उभौ नेतारौ द्विपक्षीयं सुरक्षा सहयोगं सुदृढीकर्तुं मुक्त समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्रं विनिर्माणाय सामान्य हित विषयान् च अभिलक्ष्य विस्तरेण चर्चां करिष्यतः अमेरिकीय रक्षामन्त्रिणः स्वीय प्रथमायां विदेश यात्रायां भारतागमनम् उभयोर्देशयोः सुदृढ रणनीतिक सहभागितां प्रदर्शयति संसदः उभयोः सदनयोः गतदिने जनहिताय नैके विषयाः उत्थापिताः राज्यसभायां क्षतिपूर्ति प्रसंगे रेल विभागीयां नीतिं मुम्बय्यां रेल व्यवस्थां च अभिलक्ष्य प्रश्नाः उत्थापितः अपरतः लोकसभायां केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धनः स्पष्टीकृतवान् यत् कोविड सूच्यौषधं पूर्णतः सुरक्षितमस्ति तत्रैव पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरः दिल्ली प्रदूषणम् अभिलक्ष्य उत्तरितवान् लोकसभायां महत्वपूर्णे द्वे विधेयके अभ्युपगते पञ्चराज्येषु नैर्वाचनिक प्रचारः द्रुतगत्या प्रचलति पश्चिम बंगालस्य पूर्वीये मेदिनीपुरे शिवराज सिंहेन एवञ्च तामलुके ममता बनर्जी इत्यनया प्रचारः कृतः शान्तिपूर्ण निर्वाचनाय भाजपा तृणमूल कांग्रेस दले ह्यः निर्वाचनायोगं सम्प्राप्ते भाजपा दलं पश्चिम बंगाले रविवासरे स्वीय सोनार बांग्ला विजन डॉक्यूमेंट इत्याख्यं नैर्वाचनिक संकल्प पत्रं प्रकाशयिष्यति
पश्चिम बंगालम असमम च समेत्य अन्येषु राज्येषु नैर्वाचनिक क्रियाकलापः तीव्रीभूताः। असम राज्ये हेमंत बिस्वा इत्यनेन स्वीयं नामांकनं कृतम्। तमिलनाडु राज्ये एआईडीएमके डीएमके दलयो अनन्तरं कमल हसनेन कोयम्बटूरे तदीय दलस्य घोषणापत्रं प्रसारितम्। पूर्वोत्तरीय राज्ये असमेपि प्रसारः द्रुतगत्या प्रचलति। भाजपा नेता राज्यस्य वित्तमंत्री च हेमंत बिस्वा शर्मा इत्यनेन स्वीयं नामांकनं जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्रतः कृतम्। चत्वारिंशत् आसनानां कृते अप्रैल मासस्य षष्ठे दिनांके मतदानानि भविष्यन्ति। हेमंत बिस्वा इत्यनेन नामांकनात् पूर्वं मार्गीयः प्रचारः कृतः। भारतदेशे टीकाकरण अभियानान्तर्गतम् अधुना पर्यन्तं चतुष्कोटि मितेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। तत्र महाराष्ट्रं समेत्य पञ्च राज्येषु कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि वर्धन्ते। महाराष्ट्रं सुदृढतया कोविड नियमपालनं करोति। अपरतः पंजाबस्य एकादश जनपदेषु रात्रि प्रतिरोधादेशः प्रवर्तते। तत्र अस्मिन् मासे एकत्रिंशत् दिनांकं यावत् विद्यालयः महाविद्यालयाश्च पिहिताः। गत चतुर्विंशति होरासु अशेष देशे षड्विंशत्यधिक सप्तशतोत्तर नवत्रिंशत् सहस्रं नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्मिन् मासे द्वादश दिनांके साबरमतीतः दाण्डी यात्रा अग्रेसारिता। इयं यात्रा तेभ्यः एव मार्गेभ्यः भवति यत्र महात्मा गांधी तदीयैः अनुयायिभिः साकं विश्वाय सविनय अवज्ञायाः सत्याग्रहस्य च मार्गं प्रदर्शितवान् अस्ति। शुक्रवासरे इयं यात्रा आनन्दे बरसाडे च अल्पकालाय विरमिता आसीत्। अत्र यात्रायां जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा अपि सहभागी अभवत्। यात्राम् अभिलक्ष्य जनेषु उत्सुकता सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य कार्यकालस्य चतुर्वर्षपूर्तिः अभवत्। अत्रावसरे अशेष राज्ये आसप्ताहं कार्यक्रमः आयोजयिष्यन्ते। राजधान्यां लखनऊ नगर्याम् एकस्मिन् समारोहे योगिना आदित्यनाथेन वर्षचतुष्टयस्य उपलब्धिः अभिलक्ष्य एका विकासपुस्तिका लोकाय अर्पिता। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् उत्तरप्रदेशः निवेशकानुकूल वातावरणस्य निर्माणं कृत्वा भारतस्य द्वितीया बृहत्तरा अर्थव्यवस्था संजाता अस्ति। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6वें स्थान पर थी आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः विंशति प्रतिविंशति क्षेप चक्रीयायाः क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः पञ्चमी निर्णायिका च स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे आयोजयिष्यते। पञ्च स्पर्धात्मिकायाम् अस्यां क्रीडा मालिकायां प्रत्येकं द्वे द्वे स्पर्धे विजित्य उभे अपि दले सम्प्रति तुल्य बले स्तः। अतः एताम् निर्णायिकाम् स्पर्धाम् विजित्य श्रृंखलाम् स्वायत्तीकर्तुम् उभाभ्याम् दलाभ्याम् यथाशक्ति प्रयतिष्यते। ओलिम्पिक रजत पदक विजेत्री भारतस्य बैडमिंटन तारका च पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन नायक स्पर्धा मालिकायाः महिलैकल वर्गे उपांत्य चक्रम् प्रविष्टवती। सिंधु रोमांचके प्रागुपांत्य चक्रीये द्वंद्वे जापानस्य अकाने यामागुचीं पराजितवती। उपांत्य चक्रीये द्वंद्वे अद्य मानांक सूच्यां पंचम स्थाने विद्यमाना सिंधु थाईलैंडस्य पोर्णपावी चोचुवोंगम सम्मुखीकरिष्यति। अपरतः पुरुषैकल वर्गे प्रागुपांत्य चक्रीये द्वंद्वे लक्ष्य सेनः पराजितः भूत्वा क्रीडातः बहिर्गतः।
प्रियाः दर्शकाः भवतां समेषां प्रियंकरस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं नवीनतायुतं ज्ञानविज्ञानयुतं च समादाय भवतां पुरतः अद्य सायं 6 वादने प्रसारयिष्यते डीडी न्यूज इत्यत्र। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य सुधनम् प्रकृत्या सुरम्यम् विशालम् प्रशान्तम् सदिक्तारिहारे ललामम् निकामम् तुमसे बढ़के यारा कौन हमको तो तुमसे है कांची हरे कांची वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मंगलम्। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे।